और जिन्होंने नियम निकाला उनका खुद का जन्म सनातन धर्म में हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, नियम निकालने वालों थोड़े भगवान से डरे आप, उस सामने से डरो आप, उसको जवाब देना पड़ेगा आपको। जिस भगवान ने खुद ने नंगे पैर गौ माता चराई है, धरती पर आना पड़ा गौ माता के लिए उस सांवरे को, और आप बोल रहे हैं गौ माता घर में रखोगे, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, फिर क्या नियम निकाले आपने? वाह भाई वाह, बात करता है वो मुझके साथ है। गौ माता घर में रखोगे पैसे देने पड़ेंगे आपको, क्यों? इतनी भूख आएगी किधर है? मैं गाय घर में रखकर थन पूछ चंद्रा कर हेर में गाय नहीं रखनी तो हेर आला टबर के खाई के बीवी। ये घर में ये गाय, ओ ये जगह नियम निकालिया बन पूछो था के घर में कती गाय बांधी ओड़ी है? हाँ मान पूछो थाने घर में कती गाय? अरे बड़े ना दो सौ गाय रखता है, हजार हजार गाय माड़ में चरौने जाता, डांग में चरौने जाता। वाह भाई वाह, हम खुलकर विरोध करते हैं इस चीज का। हर सनातन धर्म प्रेमी, हर गौ भक्त, सरकार ने जो अध्यादेश निकाला है हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। गोचर की जमीन पर आप पट्टे दे रहे हो, उनका आप साथ दे रहे हो, और अब गौ माता घर में रखेंगे तो पैसे भरने पड़ेंगे, क्यों? इतनी भूख आ गई आपके, है कहां जाएगी हमारी गौ माता? गाय हम रखे पैसे आपको दे, चार हम डाले पैसे आपको दें, गोबर हम उठाए पैसे आपको दें, गौ माता का इलाज हम कराए पैसे आपको दें। धन्य हो भाई आप, खुलकर विरोध करेंगे। 3 मार्च को हमने जयपुर में आंदोलन किया था, यही बात कही थी हमने, खुलकर बोली थी, जो भाई घर में गौ माता रखता है सरकार उसको 3,000 रुपए पर मंथ दे, हमने बोला था, और गोपालन मंत्री जी के सामने गए थे विधानसभा के अंदर, जो भाई घर में गौ माता रखते हैं उनको सरकार पर मंथ 3,000 रुपए देगी गौ माता रखने के। अब सरकार बोल रही है गाय हम रखे पैसे आपको भरे, पेलेंटी भरे उसकी, क्यों? सरकार बनाई किसने? हम लोगों ने, और हम ही पैसे भरे उनको। धन्य हो आप, गाय के लिए जान देने को तैयार है, नहीं सहन करेंगे हमारी गौ माता के जो ऐसी बात करते हो आप, नहीं करेंगे सहन। लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए लोग रात को इकट्ठे करते हैं गौ माता के चारे पानी की व्यवस्था के लिए, छाया के लिए, है ताकि हमारा सनातन धर्म बचे, हमारी गौ माता बचे, और आप बोल रहे हैं गाय घर में रखोगे तो पैसे भरने पड़ेंगे। बहुत हो गया ये आपका जादू, नहीं चलेगा, नहीं चलने नहीं देंगे। इतना भी हमारा सनातन धर्म कमजोर नहीं हुआ है जिसकी आप खुले हम धज्जियां उड़ा रहे हो। मैं तमाम गौ भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खुलकर विरोध करें इसका। अपनी मन मर्जी से नियम निकालते हो, गौचर में पट्टे आवंटित करवाते हो, गौ भक्तों गौ रक्षकों पर मुकदमे दर्ज करवाते हो, जितने भी लाइव जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक पहुंचना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। मजाक बना दिया यार गौ माता का, पूरी पूरी रात खपते हैं, 8-9 घंटे मंच पर खड़े रहते हैं, तब जाके गौ माता के लिए करोड़ों रुपए आते हैं ताकि उनके चारे पानी की व्यवस्था हो जाए, उनके लिए छाया की व्यवस्था हो जाए, टाइम पर उस गौ माता को मेडिसिन मिल जाए जो बीमार है।
कब तक मजाक बनाओगे आप है? आखिर क्या है आपके दिमाग में, बताएं सही, आप खुलकर सामने आए। गऊ माता घर में रखोगे, वहां पैसे भरने पड़ेंगे, गऊ माता रोड पर नजर आएगी, उसके पेनल्टी देनी पड़ेगी। अरे तो गौ माता के लिए आप 3,000 रुपए दो ना, ये गाय को घर में रखने के लिए, ये गाय घर में रखने के 3,000 रुपए दो। मैं वादा करता हूं आपसे, एक भी गौ माता आपको रोड पर नजर नहीं आएगी। दूध दही बेचेंगे आपको, पूछ के बेचेंगे, क्यों चारा डालने आप आते हो, पानी पिलाने आप आते हो, बीमार गौ माता रोड पे पड़ी उसको उठाने आप आते हो। हजारों गौ भक्त हमारे पूरी पूरी रात गौ माता के लिए दौड़ते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस लेके दौड़ते हैं, जहां भी टेलीफोन आता है वहां गौ भक्त भाग के जाते हैं। गौ माता पर अत्याचार होने वाले हजारों वीडियो वायरल होते हैं, उन पर कभी केस दर्ज हुआ है क्या? लगाओ ना उन पर मुकदमे, जो गौ माता के मुंह में पोटाश जैसा विस्फोटक पदार्थ भर देते हैं। अभी 3 दिन पहले नंदी बाबा के मुंह में पोटाश का वो विस्फोट कर दिया, पूरा जबड़ा बिखर गया। धन्यवाद देता हूं उन गौ भक्तों को, पूरी रात ऑपरेशन करके उस नंदी बाबा को बचाया, पूरी रात ऑपरेशन चला उस नंदी बाबा का। करो खुलकर विरोध, खुलकर विरोध। ओम डिगणा करता है, खुलकर विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जान भी जाएगी ओम डिगणा की, कोई दिक्कत नहीं, जो छोचरी जाती। एक बार होती है आदमी की मौत, एक बार आदमी जन्म लेता है, एक बार आदमी मरता है। और जिसने अपना जीवन ही गौ माता को मान लिया है, अब नहीं डरेंगे। हर बार आवाज दबा दी जाती है गौ भक्तों की, फोन ट्रेस करवा दिए जाते हैं हमारे, मुकदमे ठुकवाते हैं हमारे ऊपर। क्या कर लोगे? एक ओम प्रकाश को दबा सकते हो, एक ओम डिगणा को दबा सकते हो। राजस्थान में, भारत में हजारों ओम डिगणा, घर घर में ओम डिगणा बैठे, किस किस को दबाओगे? अब हम देखते हैं, अब आर या पार। गौ भक्तों जागो, पूरी पूरी रात जयकारा लगाते हैं लोग, कसमें लेते हैं वहां, वादे करते हैं वहां, हम गौ माता के साथ है, हम गौ भक्तों के साथ है। हजारों ऐसे महापुरुष है जो अपना दिन रात ये करके कथाएं करते हैं गौ माता के लिए। क्यों करते हैं? ताकि हमारा सनातन धर्म बचे। धन्यवाद देता हूं सभी संत महापुरुषों को, कथावाचकों को, व्यासपीठ बैठने वाले संतों को, साधुओं को, बारंबार धन्यवाद देता हूं। पूरी पूरी रात गांव में अलग जगाते हैं, पूरे पूरे